इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक एंड और मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकल तौर पे कैसे लिखा जाता है उसको हम जानेंगे। इसके साथ में हम छोटे छोटे कई कंपोनेंट्स से भी के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे इंट्रिंसिक इंपेडेंस हुआ, इसके डेप्थ हुआ, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है, करंट डेंसिटीज के बारे में के रेशियो, तो इस तरह के हम कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कॉन्सेप्चुअली मैक्सवेल ने एक साथ चार इक्वेशन के तौर पे पेश किया था, लेकिन उसको फर्स्टली प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेट एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने किया था, ठीक है, इस कारण से उनके नाम पे हर्ट्ज यूनिट को रखा गया, ठीक है, इन्होंने सक्सेसफुली जनरेटिंग एंड डिटेक्टिंग द ईएम वेव्स किया था, ठीक है। दूसरा किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका एनर्जी और इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, जैसे आप इंफॉर्मेशन मोबाइल में जो बात कर रहे हैं उस चीज को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो भी ईएम वेव करती है, ठीक है। एनर्जी से क्या मतलब है? जो भी ट्रांसपोर्टेशन आपका आपका हो रहा है वो कुछ ना कुछ एनर्जी के कंपोनेंट में होता है। ये एनर्जी का कंपोनेंट माइक्रो या नैनो वाट में होता है, बहुत कम वाट में होता है, ठीक है। तो ईएम वेव आपका एनर्जी और इंफॉर्मेशन दोनों ही ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब कौन कौन से मीडियम हमारे करिकुलम में है, आपके करिकुलम में जो मीडियम दिए हुए हैं चार तरीके के, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी जीरो होगी, ठीक है, साथ में इसकी चार्ज डेंसिटी मीडियम की वो भी जीरो कंसिडरेशन मिली जाएगी। एप्सिलॉन आर और म्यू आर दोनों वन होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होगा, ये कंसिडरेशन, ये आपकी फ्री स्पेस और वैक्यूम की कंडीशन है, ठीक है। लॉसलेस मीडियम जहाँ लिखा होता है वहाँ आपकी सिग्मा इक्वल टू जीरो होती है, सिग्मा माने कंडक्टिविटी, सिग्मा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन। अब वेव की बात है तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी या एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसलिए ओमेगा का कंपोनेंट लिया गया है, ठीक है। और ये दिया गया है म्यू इक्वल टू, यहाँ म्यू आर होगा, गलती से लिख दिया गया, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब लॉसी मीडियम लिया जाएगा, उसमें कंडक्टिविटी की थोड़ी थोड़ी वैल्यू ली जाती है, मींस इट इज नॉट जीरो, ओके, और एप्सिलॉन की भी वैल्यू ली जाएगी या म्यू की भी वैल्यू ली जाएगी, मींस म्यू आर और एप्सिलॉन आर की भी आपकी अपनी वैल्यू होती है। अब कंडक्टर है, कंडक्टर में आपको पता है कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नियर टू इन्फिनिटी लिया है, और कंडक्टिविटी ओमेगा एप्सिलॉन से बहुत ज़्यादा होती है, म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी नहीं होती है, ठीक है। अब वेव इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसको हम अभी मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिफरेंट टाइप के मीडियम को पढ़ा। देखिए, वेव के प्रोपगेशन के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है, और जो बीएससी के करिकुलम में है उसमें वैक्यूम या फ्री स्पेस में वेव के ट्रेवल के डेरिवेशन को कंसीडरेशन में लिया गया है, ठीक है। तो हम पहले लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे जीरो और रो की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, और इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे। ये जनरल इक्वेशंस के लिए है, लॉसी लॉसलेस और फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। A lossy dielectric is a medium in which EM wave loses the power as it propagates due to poor condition. ठीक है, ये consideration हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक।
अब आप देख रहे हैं, देखिए ये इनिशियल एम्पलीट्यूड ये ई है, ठीक है। उसके बाद इसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट हुआ है, जैसे आपकी आवाज है, आपने कुछ बोला, आपके नियर बाय डिस्टेंस में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और दूर जाएंगे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, और बहुत दूर जाएंगे तो जो आपकी इंटेंसिटी होगी वॉइस की वो बहुत ही कम होगी। मीन्स आपकी जो वॉइस की इंटेंसिटी है वो कम होती चली जा रही है, मीन्स उसमें पावर का लॉस हो रहा है कुछ ना कुछ इस कारण से। अगर पावर का लॉस नहीं होता तो स्ट्रेंथ जो है आपकी वॉइस की, वॉइस वेव की, वो मेंटेन रहती। ऐसा ही आपकी कोई वेव है, आपके सोर्स इन पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे मूव करेगी वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जो भी ये डिके होता है, मीन्स आपका जो डिके हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा एक्सपोनेंशियली ही होता है। रेडियो एक्टिव में जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का डिके होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। मैंने मैक्सवेल इक्वेशन में आपको हार्मोनिक इक्वेशन बताया था, ए की पावर जहाँ जे ओमेगा टी लिखा था, मैंने कहा था कि वेव में जो भी लॉस होगा उसकी स्ट्रेंथ में वो एक्सपोनेंशियली ही होगा, ठीक है। तो इस कारण से हम जहाँ पे भी आपका डिके होता है, ठीक है, चाहे रेडियो एक्टिव डिके लीजिए या वेव करने के लिए, जहाँ पे नेचर इन्वॉल्व होती है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल डिके ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये सारी इक्वेशनें लिख ली हैं, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा होगा, सिग्मा को कंसीडरेशन में ले रहे हैं, सिग्मा यहाँ पे लिखना होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू सिग्मा नहीं होता है, रो होता है, ठीक है। ठीक है, जीरो लिया गया है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो, कर्ल ऑफ इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। ये हार्मोनिकली वाली इक्वेशंस को हमने कंसीडरेशन में लिया गया है। अब हम इक्वेशन नंबर तीन को पिक करते हैं और उसमें कर्ल से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये एज अ कॉन्स्टेंट की तरह वर्कआउट कर रहा है, तो कर्ल का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड, कर्ल ऑफ ई। अब आपको आइडेंटिटी पता है कर्ल ऑफ ई क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ई माइनस लाप्लासियन स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है पहली क्वेश्चन में जीरो दिया हुआ है, तो पूरा ये जीरो कर देगा। माइनस डेल लाप्लासियन ऑफ ई इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू। अब हमने इसकी वैल्यू चौथी वाली क्वेश्चन से निकाल के पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है, ये पुट की, ठीक। अब क्या है इसमें, लाप्लासियन ऑफ ई इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, ठीक। अब हमने एक तरफ उसको ले लिया और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने उठा के इस गामा स्क्वायर से शो कर लिया, ठीक है। देखिए गामा स्क्वायर क्या होता है, जे ओमेगा म्यू ब्रैकेट में सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक। अब हम इसी तरीके से अपनी चौथी इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। अगर लेंगे चौथी इक्वेशन को, अगर हम चौथी इक्वेशन को लेंगे, डार्क नहीं है, चौथी इक्वेशन को लेंगे और इसमें डेल क्रॉस ई का टर्म आता है तो हम इसको पुट करेंगे तो आपको कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक्सप्रेशन आपको ई के फॉर्म में भी मिला है और एच के फॉर्म में भी मिला है। तो इसमें गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है, ठीक है। अल्फा आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट रहा, एटेन्यूएशन कांस्टेंट रहा, और बीटा आपका फेज कांस्टेंट रहा, ठीक है। खास चीज ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट नेपियर होती है, नेपियर पर मीटर होती है, और इसकी यूनिट आपकी रेडियंस में होती है, ठीक है। दोनों की यूनिट अलग अलग होती है। गामा आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट रहा, ठीक। अब लास्ट की जो इक्वेशंस
आपने देखी कौन सी देखी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस देखी। इन दोनों इक्वेशंस को हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन या वेव इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा, आप दोनों इक्वेशंस को वेव इक्वेशन के तौर से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे फर्दर मूव करते हैं। अब देखिए गामा स्क्वायर बराबर जे ओमेगा म्यू ब्रैकेट रो सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन है, ठीक है। हमने गामा की वैल्यू पुट की, क्या पुट की, अल्फा प्लस जे बीटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है। कैसा मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। माइनस बीटा स्क्वायर क्यों आ गया, यहाँ जे स्क्वायर के कंपोनेंट को माइनस वन हमने लिखा गया। इक्वेशन खोलेंगे तो जे स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो हमने यहाँ पे पुट किया प्लस जे टू अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी ओपन किया तो कुछ ऐसे बनती है स्थिति, जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लिया तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन और टू अल्फा बीटा इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा, ठीक है। अब हमको पता है, जैसे आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर लिखना होता था तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए बी, इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये लिखा है। मीन्स अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी होगा, तो वही लिखा गया है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फोर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको फर्दर हमने इनहेंस किया है, इसको यूज किया है टू अल्फा बीटा के स्क्वायर के तौर में, इसको हमने यूज किया, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो आपको पता है फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा ओमेगा म्यू रूट में सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। इस तरह से आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को समराइज किया, क्या समराइज किया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा म्यू और ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। इन दोनों को क्लब किया और हमने इंडिपेंडेंटली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आती, ओमेगा रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन टू, फिर अगेन ब्रैकेट रूट वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर माइनस वन, बीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू ब्रैकेट रूट वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस वन। देखिए यहाँ पे जो म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू हो होगी वो म्यू इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर के बराबर हो, म्यू आर और म्यू नॉट के बराबर होता है। इसी तरीके से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। तो ये आपके अल्फा बीटा आ गए, अल्फा आपका अल्फा एंड बीटा दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। कौन से कांस्टेंट है जो कि आपने पढ़ा है, एक एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, एक फेज कांस्टेंट है। एटेन्यूएशन कांस्टेंट से आपके वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, उसमें लॉस होता है, फेज कांस्टेंट में फेज में चेंज होता है। मींस अगर आपके एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है तो ड्यू टू एटेन्यूएशन हो रहा है, और फेज में देखिए कैसा होता है, ऐसे ये फेज है फिर कम हो गया फिर और कम हो गया, तो जो ये फेज का जो चेंजेस है जो लॉस हो रहा है वो ड्यू टू द फेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपके ई एच और वेव प्रोपगेशन ये तीनों कंपोनेंट आपस में ऑर्थोगोनल में हो, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब है
ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक, अब हमने अज्यूम किया है वेव की प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में। इन तीनों डायरेक्शन के बीच क्या रिलेशनशिप होती है मैथमेटिकली, उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए कैसे ये लिखा गया है, ई इक्वल टू ई एक्स जेड ए एक्स। अब जो ये आखिरी कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये ई की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जेड लिखा गया है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब आपके जो बीएसटी के करिकुलम में है वो वेव केवल एक ही डायरेक्शन में शो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट के डेरिवेशन को कंसिडरेशन में लिया गया है, तो बाकी दो डायरेक्शन में अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं और अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कंपोनेंट ऐसा कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कॉन्स्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह हमें पता है कि वेव की डायरेक्शन है जो हमने अज्यूम किया है वो जेड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, तो इस कारण से एक्स और वाई का जो कंपोनेंट है वो जीरो के बराबर होगा, तो केवल जेड का ही कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, तब हमने सॉल्व किया डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ई एक्स जेड माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स जेड। ठीक है, अब क्या है, केवल एक ही कंपोनेंट लिया गया है इसलिए आप ODE करिए या PDE करिए दोनों की बात एक ही है, तो हमने इसको PDE में कन्वर्ट किया। PDE में कन्वर्ट करने के बाद हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स जेड इक्वल टू जीरो। ठीक, ये आपकी 2D ODE के फॉर्म में है और ODE का कोई सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस तरह से आएगा ई एक्स जेड इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस ई नॉट डैश ई नॉट ई की पावर गामा जेड। ई नॉट और ई नॉट डैश ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या शो कर रहा है, वेव आपकी जेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, और ये कंपोनेंट क्या शो कर रहा है आपका कि वेव आपकी माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ शोकेस कर रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि वेव आपकी केवल प्लस जेड की तरफ मूव कर रही है इसलिए ई नॉट डैश आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, मींस ये रिजॉल्व हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन क्या बची, ई एक्स जेड इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड। ठीक, अब इसमें टाइम का भी फैक्टर इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है, ई जेड टी को लिया गया है तो आपको e की पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है, और वेव हमेशा रियल में होती है तो रियल कंपोनेंट को ही हमें कंसिडरेशन में रखना है। अगला स्टेप क्या है, हमें अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा होगा, वो हमने वैल्यू को पुट किया। ठीक, अब आपको ये है ये एज अ कॉन्स्टेंट तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इसको बाहर ले आए, ए की पावर माइनस अल्फा जेड ये भी एज अ कॉन्स्टेंट तरह बिहेव करेगा, इसको भी बाहर ले आए। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे तो ई जेड टी को कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपने निकाल ही लिया है इसको। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को समझने का प्रयास करते हैं, ई की पावर आपने 12th में पढ़ा होगा डिमाबियर थ्योरम, ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा के दो कंपोनेंट होते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर रियल कंपोनेंट लेंगे, रियल ई की पावर आई थीटा लिखेंगे तो आपका कॉस थीटा होगा, उसी तरीके से इसका हम रियल ले रहे हैं तो कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा बीटा आएगा। तो ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन आगे ई जेड टी इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ई एक्स। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या मालूम चल रहा है, वो जरूरी चीज है। आपको अगर प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे निकाल सकते हैं। ठीक, इससे मतलब है कि आपका प्लस जेड की तरफ प्रोपगेट कर रहा है, अगर यहाँ प्लस साइन होता तो यहाँ भी प्लस साइन होता, इसका मतलब है आपकी वेव प्रोपगेशन माइनस जेड की तरफ हो रही है, ये आपका शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक, ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी रही, ये आपका इनिशियल कंपोनेंट रहा, ये आपका एटेन्यूएशन का कंपोनेंट रहा। ठीक है, दोनों को मिला के आप जो डिक्रीज हो रहा है के साथ में, ठीक है, नया जो बनेगा स्लोप उसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं, इसी तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली गई है। ठीक है,
अब क्या किया गया, ऐसे मैंने बताया कि क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ए ई हमने लिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एच लिया है मैग्नेटिक फील्ड, और ए बी लिया है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ पावर दोनों सेम होती है। इस पावर को हम क्वांटिंग थ्योरम से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसकी भी पावर की भी डायरेक्शन होती है, तो जो पावर की डायरेक्शन होगी वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन ही। अब इनके बीच का रिलेशनशिप देख लेते हैं। ये पाथ चेंज हो गया है वरना, तो इस तरीके का होता है ए ई इक्वल टू ए एच क्रॉस ए बी, ए एच इक्वल टू ए बी क्रॉस ए, ठीक है। ये आपस में ऐसे अगर आई जे के दिया होगा तो के इक्वल टू क्या होगा, आई क्रॉस जे, जे इक्वल टू जे क्रॉस के, उसी तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। अब क्या होता है, एक कंपोनेंट है इंट्रिंसिक इंपेडेंस, किसी भी मीडियम का अपना इंपेडेंस होता है, इंपेडेंस से क्या होता है आपका लॉस होता है, ठीक है। अगर इंपेडेंस नहीं होगा तो वेव में कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इंसिडेंस इंपेडेंस क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है ई और एच का। दूसरी चीज है आपका जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो अपना एम्पलीट्यूड होगा, तो अपना एंगल होगा, उसको या तो इस तरीके से लिखा जाता है या फिर इस तरीके से लिखा जाता है। मैथमेटिकली इसको सीधे सीधे फॉर्मूला बेस सवाल आते हैं, इसका डेरिवेशन आपके करिकुलम में नहीं है, तो आपको निकालना है इस तरीके से। और ओपन स्पेस में इसकी वैल्यू आपकी फ्री स्पेस में 377 ओम के बराबर होती है, ठीक है। ठीक, थीटा नॉट की वैल्यू है, ये जीरो हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जब आपका इंट्रिंसिक इंपेडेंस होता है तब क्या होता है, ठीक है। जैसे बताया मैंने नीटा बराबर क्या होता है, इंट्रिंसिक इंपेडेंस इक्वल टू ई अपॉन एच, एच बराबर क्या होगा, ई अपॉन नीटा होगा, ठीक है। वैसे मैंने बताया कि नहीं, आपका ये जो नीटा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसको इस तौर पर लिखा, ठीक। और ये दिया हुआ है, इस कंपोनेंट को हम ऊपर की तरफ मूव करा देंगे, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन नीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड, ये ऐसा कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा, ये पूरा आपका कंपोनेंट ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह रहेगा, और इसी का हमें रियल फैक्टर उठाना है, ठीक। तो क्या होगा, एच जेड टी इक्वल टू ई नॉट अपॉन नीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड रियल e की पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड थीटा नीटा। हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा नीटा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ए वाई है, तो इसलिए आखिरी में हम अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका ए वाई का कंपोनेंट लगा लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या आता है आपका, करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जैसी आपकी करंट डेंसिटी होगी कंडक्शन करंट या आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे पहले बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा को लॉस टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। सीधे फॉर्मूला आता है कि लॉस टेंजेंट निकालो, आपको वैल्यूज पुट करके निकाल लेनी है। तो थीटा होता है टू थीटा नीटा के बराबर होता है। नीटा आपका इंट्रिंसिक इंपेडेंस का एंगल का कंपोनेंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फ्री स्पेस में क्या होता है, कंडीशंस ये आपके करिकुलम में है, फ्री स्पेस में निकालना है। तो कंडक्टिविटी जीरो भी, जहाँ आप बैठे वहाँ अगर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती तो आप अंदर रह नहीं पाएंगे, करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है चार्ज डेंसिटी जो है वो जीरो के बराबर होती है। तीसरी है इसके रिलेटिव जो म्यू आर एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू वन के बराबर होती है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक। अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा बराबर जीरो और ऑटोमेटिक चला आएगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ओमेगा बाई सी,
ठीक है, फेज वेलोसिटी जो है तो c के बराबर होगी, जो वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन बीटा होगी, बीटा आपका फेज कांस्टेंट है, और इंट्रिंसिक इंपेडेंस क्या होगा वो आपका म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, वो 120 पाई के बराबर होगा और 377 ओम के बराबर होगा। अगर कहीं भी म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रूट आपको निकालना है न्यूमेरिकली तो उसकी वैल्यू 120 पाई के बराबर होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से, द स्किन डेप्थ इज अ मेजर ऑफ द डेप्थ टू विच द ईएम वेव कैन पेनिट्रेट इन द मीडियम, अ डिस्टेंस डेल्टा थ्रू द वेव एम्पलीट्यूड डिक्रीज बाय 1^-1 मींस आपके वेव की जो एम्पलीट्यूड में 37% का डिक्रीमेंट होना चाहिए, जिस डिस्टेंस तक ये डिक्रीमेंट हो जाएगा तो वो डिस्टेंस आपकी स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहलाएगी। अब मैथमेटिकली कैसे लिखा गया है, ई नॉट e^-α डेल्टा जेड ऊपर का कंपोनेंट था जो कि डिस्टेंस को शो कर रहा था, तो उसको कंसिडरेशन लिया गया है ई नॉट e^-α। अब कंपेयर करेंगे अल्फा डेल्टा इक्वल टू 1, डेल्टा इक्वल टू 1/α। ठीक है, किसी भी गुड कंडक्टर के लिए क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/√πfμσ। इस चित्र से दिखाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए इसका स्लोप जो है, जो डिक्रीमेंट है नया है वो 0.68 ई नॉट के बराबर है, इनिशियल ई नॉट के बराबर, जितनी डिस्टेंस में ये ऑब्टेन हुआ है उस डिस्टेंस को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और इस लेक्चर में हमने वेव प्रोपगेशन और वेव प्रोपगेशन के मैथमेटिकल फॉर्म को हमने पढ़ा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।